खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छी इनकम के लिए 22 दिन पहले दो युवकों ने शुरू किया हीरोइन सप्लाई का धंधा। दिल्ली में नाइजीरियन से 2.25 लाख की हीरोइन की खेप लेकर फतेहाबाद पहुंचे तो पुलिस के हत्थे चढ़े। फतेहाबाद के हीरोइन सप्लाई के लिए गाड़ी में बैठे थे दोनों युवक, पुलिस ने 145 ग्राम हीरोइन के साथ किया गिरफ्तार। सिटी थाना SHO सुरेंद्र कंबोज बोले, गिरफ्तार युवक भूप सिंह फतेहाबाद की माथुराम कॉलोनी तो भरत सिंह गांव दौलतपुर का रहने वाला है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अच्छी इनकम के लिए युवाओं को नशा सप्लाई करने का धंधा 22 दिन पहले शुरू किया। फतेहाबाद जिले में ही युवाओं को कर रहे थे सप्लाई। बीते दिन 2.25 लाख रुपए कीमत की 145 ग्राम हीरोइन लेकर दोनों फतेहाबाद में सिवाच अस्पताल के पास गाड़ी में बैठे थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों को किया गिरफ्तार। दोनों को आज कोर्ट से रिमांड पर लेकर की जाएगी आगामी पूछताछ। K9 मीडिया के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट। ये कल हमें सूचना मिली थी कि सुभाष हॉस्पिटल के पास एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं, उनके पास नशे का सामान हो सकता है। इस पे टीम तैयार करके मौके भेजा तो उसके पास उनके पास 145 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। तो जो दोनों व्यक्ति हैं, एक का नाम तो भूप सिंह है और दूसरा भर सिंह है, तो दोनों के खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और एक रिमांड हासिल किया जाएगा। दिल्ली से नाइजीरियन से लेके आए थे, उन्होंने यहाँ फतेहाबाद के अंदर जो भी इनसे आके चिट्टा लेते हैं, नशा करते हैं, उनको अभी बेचा। तो कैंप से पहले तो अभी तक अभियोग अंकित नहीं, इनके खिलाफ ये पहला अभियोग तो सब यही कर रहे हैं। इन्होंने बताया अभी अभी तक तो पूछताछ की है, 20-22 दिन से शुरू किया काम इन्होंने। तो क्या कारण बताया सर ऐसे नशे के धंधे में आने का? कुछ बताया इसमें इनकम अच्छी है इनके। कीमत क्या है सर इसकी? कीमत लगभग इसके 2000 रुपये ग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं यहाँ, लगभग 2.25 लाख कीमत है इसकी, 2,35,000। बाद रतिया वगैरह फतेहाबाद जिले के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ के ये युवक है सर, पहचान क्या हो पाई है? दोनों पहचान हो पाई है, भूप सिंह तो है जी माथुराम कॉलोनी का और भरत सिंह है दौलतपुर का।